माशाल्लाह आप इसका टेक्सचर देखें कितना सिल्की है। अस्सलाम वालेकुम अल्लाह ताला आप लोग को खुश रखे आप लोग के दस्तरखान बसी वसी रखे और हयात किसी के लिए भी जुड़ना तो ये देखें जी इसकी तो मैं आपको स्टोरी बता चुकी हूँ और मैं फिर हाजिर हूँ अपने सेकंड सेशन के साथ आप लोगों की खिदमत में मैं बना रही हूँ मोस्ट पॉपुलर कड़ी विद नान क्योंकि मुझे रोटी नान और पराठे ये चीज़ें पसंद है लेकिन ये राइस के साथ सर्व होती है एंड प्रेपरेशन ऑफ द बे स्टार्ट विद द प्लान ये जी मैं आपको पहले ही अपनी रेड सॉस जो है वो दिखा चुकी हूँ टोमेटो पेस्ट और ये चूंकि वेजिटेरियन है वेज है बटर चिकन तो ये मैंने बॉल्स बना के रखे हुए हैं और मुझे तो इन्जॉय करने लग जाती हूँ प्ले करने लग जाती हूँ इनको मैं कोट कर रही हूँ क्योंकि राइस फ्लोर और कॉर्न फ्लोर मैंने इसका ब्रेड बनाया था और इनको शफल करके वो अच्छे से कोट हो जाएंगे आप लोग जब भी जो है इसको कोई भी शेप देते हैं कोई भी आप इसको ब्रेड क्रंस में कोट करते हैं फ्रिज में रखते हैं और फिर इनको थोड़ी देर रेस्ट दे फ्राई करें तो ये बहुत अच्छे फ्राई होते हैं टूटते भी नहीं हैं आप लोगों को अच्छा ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा तो ये जी मैंने अपनी जगह कर ली है आज थोड़ी सी चेंज क्योंकि यहाँ लाइट बहुत अच्छी थी नेचुरल लाइट तो मैंने कहा क्यों नहीं इसको यूज़ किया जाए कंबाइंड पनीर विथ कुक मैश पटैटोज़ पनीर जो है 300 हंड्रेड ग्राम्स और पटैटो 600 हंड्रेड ग्राम्स पर आप इसको हाफ भी कर सकते हैं फिर पेपरिका पाउडर है और मैं ऐड करूँगी सॉल्ट इसके अंदर हाफ टी स्पून जो है वो मैं चाइव्स ऐड करूँगी और फील फ्री टू ऐड मोर स्पाइस और हर्ब्स ऐड करना चाहते हैं तो आप ज़रूर करें और सॉल्ट को आप एडजस्ट कर सकते हैं आ, फिर मैं ऐड करने लगी हूँ राइस फ्लोर टू टेबल स्पून और कॉर्न फ्लोर टू टेबल स्पून मैं ऐड करूँगी इट विल गिव डेट क्रंची गोल्डन कोटिंग वी आर लुकिंग फॉर तो बस आप कोई भी चीज़ ऐड करते हैं तो so. स्लाइट डिफ्रेंसेस की वजह से वो चीज़ें चेंज हो जाती हैं चलिए जी ये मैंने ऐड कर दिया है और अब इसको कर लेते हैं मिक्स मैं दोबारा आ गई हूँ अब <laughs> मैं दोबारा आ गई हूँ अब क्या करते हैं कि इसका बेड बनाते हैं कॉर्न फ्लोर का और राइस फ्लोर का और उसके अंदर इसको कोट करते हैं ये तो मैंने आपको दिखा दिया है ये कैसे इंजॉय करते हैं हम <laughs> इसको कोट कर सकते हैं तो अब इसको करेंगे जी रोल इनटू अ बॉल स्मॉल बॉल्स के अंदर हम इसको कर देंगे कन्वर्ट और पहले आप अपना पाम को थोड़ा वेट कर लें पानी लगा के करें क्योंकि ये बहुत स्टिकी हो जाता है और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर जो है पेपरिका मैंने इसको टेस्ट कर लिया था सोल्ट तो मुझे ठीक लगा है पेपरिका पाउडर जो था वो थोड़ा कम था तो वो मैंने थोड़ा और डाला है अच्छा जी अब इसको बना लें बॉल्स का इसको शेप दें और थोड़ा पाम जो है आप उसको पानी लगाते रखें पानी रखें अपने पास एक कटोरी के अंदर तो वो उससे बहुत अच्छा होगा गिव अ गुड मसाज टू योर बॉज चाहे वो मीट बॉल्स हों या राइस बॉल्स हों कोई भी हो उनको अच्छा मसाज दें ताकि वो बिल्कुल यूनिफाइड हो जाए आप जी इसको मैं बॉल्स बनाती जाऊंगी और फिर आपसे मिलते हैं ये सारे बॉल्स बनाने के बाद और ये मैंने सारे बॉल्स बना लिए हैं जगह में बदल बदल कर आज बैठी हुई हूँ इसको मैं रख दूँगी फ्रिज के अंदर और मैं अब बनाऊँगी नान ये देखें जी मेरे नान भी रेडी हो रहे हैं जितनी देर टमाटो पेस्ट बनेगी इसके ऊपर बटर और वाह मज़ा आने वाला है जितनी देर वो बनेगी और ये देखें ये अच्छे बेक हुए हैं मैंने थिन रखे हैं खुद इन्हें और चाय बनाऊंगी अभी मैं थोड़ी टी पार्टी करूंगी क्योंकि भूख मुझे लग रही है टमी कह रहा है थोड़ा फूड थोड़ा फूड तो ये मैं बाइट जो हैं इनको बैचेस में फ्राई कर लेती हूँ तो बनाते हैं चाय फिर उसके खाते हैं साथ नान गरम गरम बेक्ड नान होम और ये खाते हैं पटेटो बाइट्स और क्या ही मज़ा आने वाला है <laughs> और फिर मैं आपसे दोबारा आके जो है वो मिलती हूँ उतनी देर में होपफुली मेरी टोमेटो पेस्ट रेडी हो जाएगी क्योंकि वो बहुत स्लो फ्लेम पर है खूब मज़े के थे क्रिस्पी थे जबरदस्त यम यम थे और ये देखिए अब ये थोड़े से बच गए हैं सर्विंग के लिए फाइनल ठीक है ना बहुत बढ़िया जी आज बहुत मजा आने वाला है इंशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह उस रब का बहुत शुक्रिया उसकी नेमतें बेशुमार हैं अब क्या करना है कि बटर ऐड करें पैन में क्योंकि हम अब इसको फाइनलाइज करने वाले हैं अपनी डिश को तो बटर जो है इसको मेल्ट होने दें और अंटिल इट इज़ फ्रेग्रेंट आप इसके अंदर जो है फिर हम टोमेटो पेस्ट ऐड करेंगे चलें जी ये हो गया है हो गया है हो गया है ज़बरदस्त अब इसके अंदर थ्री टेबल स्पून जो है वो मैंने ऐड किए थे अपनी जो मैंने पेस्ट बना के रखी थी थ्री टेबल स्पून आप इसको डबल भी कर सकते हैं बस आप मिक्सचर को डबल कर लें आपको जितना चाहिए थ्री टेबल स्पून मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए थे इस पेस्ट के और ये स्लाइटली स्वीट होता है टेस्ट में क्योंकि ये पेस्ट ज़रा स्वीट होती है तो आप शुगर मत ऐड करें बाकी सॉल्ट को आप एडजस्ट कर सकते हैं अब मैं कोकोनट क्रीम ऐड करूँगी टू टेबल स्पून ये ना सोचें कि कोकोनट का आपको टेस्ट आएगा या इस तरह की नहीं ये कितना टेस्टी है मैं आपको क्या बताऊँ कितनी ये डिफरेंट और मज़े की चीज़ बनती है कोकोनट जो है वो क्रीम ऐड कर दें उसके बाद हम इसको दो तीन मिनट के लिए इसको टू मिनट के लिए इसको कुक होने दें लेकिन आप इसको स्टिर करते रहें ठीक है ना बस ये ख्याल रखना है कि ऑयल सेपरेट ना हो अब ये देखें अब इसके अंदर जो है हम ऐड करेंगे क्रीम आप रिवर्स भी कर सकते हैं मैं वन टेबल स्पून जो है इसके अंदर क्रीम ऐड करूँगी लेकिन आप इसको रिवर्स कर सकते हैं आप वन टेबल स्पून कोकोनट क्रीम और वन टेबल आ, और टू टेबल स्पून कुकिंग क्रीम के जो है वो ऐड कर सकते हैं तो ये इतना ज़बरदस्त है कि मेरा दिल करता है कि मैं इसको यहीं पॉज कर दूँ मतलब ये इतना सिल्की और स्मूथ था कि मेरा दिल कह रहा था मैं इसको यहाँ पॉज कर दूँ अब ये देखिए मैंने क्रीम ऐड की है और अगर आपको इसका कलर जो है आप ज़्यादा क्रीम ऐड कर रहे हैं आप इसको टेस्ट करके देख लें तो आप रेड फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि हम कमर्शियल किचन्स में थोड़ा फूड कलर इसमें ऐड करते हैं वाह माशाल्लाह एंड रिच और जबरदस्त तो आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि इसको अब आपने बहुत देर तक कुक नहीं करना और इसको स्टिर करते रहें द कम्पलीटेड मिक्सचर शुड नॉट बी कुक्ड फॉर टू लॉन्ग आफ्टर क्रीम हैज़ बीन एडेड वरना आपकी सॉस जो है वो सेपरेट हो जाएगी और हमें बहुत यूनिफाइड टेक्सचर चाहिए एंड ऑलवेज द क्रीम एट द वेरी एंड तो ये आपने पास कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है और अब इसको हम कैसे सर्व करेंगे कि जो हमारे पटेटो बॉल्स हैं उसको हम बिल्कुल इमिडिएटली सर्व करेंगे मैं इसे डिश को सर्व मैं इसको सर्व करूँगी टू डिफरेंट डिशेस में और इसकी लुक देखें क्या ही बात है और एक बात और मैं आपसे कहूँगी कि अगर ये आपको थोड़ा थिक लग रहा है तो आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं इफ़ इट लुक्स टू थिक जस्ट ऐड वाटर अकॉर्डिंगली आप वो एडजस्ट यूँ कर सकते हैं इंस्टेंटली सर्व कर रहे हैं तो ठीक है लेकिन अगर आप बुफे में सर्व हैं तो थोड़ा सा आप इसमें पानी डाल के डाल सकते हैं तो जी ये क्रीम ऐड करते हैं सब विद क्रीम एज़ पर ट्रेडिशन सम समीग्रिक लीव्स ड्राई मेथी जो सूखी मेथी है वो भी मैंने इसके ऊपर डाली है और माशाल्लाह कलर इज़ एब्सोल्युटली क्रेडिबल बहुत अच्छा लगा मुझे और आप लोग भी इसको ज़रूर बनाइएगा और मैं माशाल्लाह पहली बिस्मिल्लाह कर चुकी हूँ तो मैंने कहा कि जो नान जो थे मैं बाकी के भी बेक करके रख लेती हूँ तो वो इस्तेमाल हो जाएंगे क्योंकि ओवन मेरा काफ़ी इस वक्त गर्म था तो मुझे दोबारा बनाने के लिए प्री हीट नहीं करना पड़ेगा और ये इतना टेस्टी है माशाल्लाह और मैं खा चुकी हूँ <laughs> तो ये मैं आपके लिए इसको दोबारा टेस्ट कर रही हूँ तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें आप लोगों का बहुत शुक्रिया अल्लाह हाफिज